अभी हो गया है दोपहर का 12, 12:30 हो गया है। सो हम लोग निकल रहे हैं। सो नमस्ते, सभी को वेलकम सौगत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज से दो मतलब ये दूसरा बार हो रहा है हिंदी में ब्लॉग। पहले भी किया था एक, लेकिन वो ऐसे ही किया था, लेकिन आज से हम हिंदी में बना रहे हैं। अंकल और मैं जा रहा हूँ कल, जैसे मतलब पिछले वाले ब्लॉग में किया था, हम लोग यहाँ से नीचे जाएगा रेसी पुल, जहाँ से बंगाल और सिक्किम को कनेक्ट करता है, और इसको सिल्क रूट भी कहते हैं। और इसके पूरा जानकारी आगे वीडियो में हम देंगे, कैसा रास्ता है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मतलब क्या क्या है, सभी बताने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अंकल यहाँ पर है। सो यस, हम लोग पैदों से निकल रहे हैं। देखते रहिएगा अंत तक वीडियो। जितने भी नए हैं, आप लोगों को पहले से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी आप लोग का नए हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, जाते जाते देखते रहिएगा अंत तक। ओके, सो अभी हम लोग निकल गए, थोड़ा अप है रोड। एक्चुअली हम लोग आज जा रहे हैं रेसी पुल। एक बार आप सभी को बता देते हैं रेसी पुल कहाँ पर है बोल के। पेड़ों से थोड़ा नीचे जाके जाने से वहाँ पर मतलब ये क्या हो गया तेल। ओके, अभी हम लोग निकलने वाला है। सो यहाँ जो नीचे है, यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ आपके नीचे मतलब फ्लाईओवर बन रहा है पहाड़ में। मतलब पहला ये होगा फ्लाईओवर, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहाड़ में कहीं भी नहीं है फ्लाईओवर इतना बड़ा। यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और रोड भी बहुत बड़ा है। आप लोगों को पता ही होगा शायद कि ये सिल्क रूट है, इसीलिए यहाँ पर मतलब चाइना जाने के पहले यहीं से मतलब सिल्क रूट यहीं से मतलब इधर उधर हो जाता था, इसीलिए ये शॉर्ट रूट है, इसीलिए इसको सिल्क रूट कहते हैं। और पहले ब्रिटिश के टाइम में यहाँ से मतलब उधर उधर से इधर कुछ सामान लेके आके जाता था ये रूट से। तब तो उधर उस वक्त गाड़ी नहीं था, तब जो घोड़ा होता है, घोड़ा से इधर उधर करते थे सामान, तो ये रूट है, इसीलिए इसको सिल्क रूट कहते हैं। और ये है पेदोंग बाज़ार, ऐसे लग रहा है यहाँ से स्कूल लग गया होगा, इसीलिए थोड़ा जाम है, स्टूडेंट वगैरह अभी छुट्टी हो रहा है ना। और यहाँ पर है कॉलेज, इसके बैक साइड में ऊपर में। तो ये थोड़ा नीचे जाके वहाँ पर सेंट जॉर्ज स्कूल है, तो ये दिखाई दे रहा है पीछे का ग्राउंड है उसका। अभी थोड़ा आगे जाके दिखाएंगे तो वाला स्कूल सेंट जॉर्ज स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, मतलब ये लगभग 150 साल पुराना स्कूल है अभी तक है। मतलब थोड़ा ये वाला सेंट जॉर्ज हाई सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो उधर क्रूस डाड़ा है, वो भी हिस्टोरिकल प्लेस है। मतलब पिछले दिन हम लोग ने उधर भी जाके एक ब्लॉग किया था, लेकिन वो नेपाली में है, तो टाइम मिलेगा तो कभी एक बार फिर जाएंगे आप लोग को दिखाने के लिए। और हमारे जितने रेगुलर व्यूअर्स हैं जो नेपाली में सुनते हैं हमको, उन सबको पता है हम कम कहाँ कहाँ कच्चा कच्चा जगह जाके मतलब विजिट कर चुका है, लेकिन अभी हिंदी में कर रहा है तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि नया नया जगह फिर एक्सप्लोर करो। जो पिछले दिन में किया था उसी जगह को एक बार फिर से एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कब टाइम मिलेगा तो फिर जाएंगे उधर। थोड़ा हम लोग ने प्लानिंग करके रखा हुआ है जाने के लिए, तो ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे वो भी। और ये जो सिल्क रूट है, पहले का ऐसा रास्ता नहीं था, पहले मतलब जब पुराना था तब का रास्ता कैसा था बोल के हम आपको दिखाएंगे, तो वैसा था रास्ता, तो अभी तो बन गया है पूरा। अभी हम लोग पहुंच गए ये हाईवे में, ये नेशनल हाईवे है, जहाँ से मतलब जो हमने बोल रहा था कि सिल्क रूट है, जो ये है सिल्क रूट इसी को बोलता है। पहले पहले मतलब ये ऐसा रोड नहीं था, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था, अभी अभी बनाया है ये पूरा नया, अब लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद, पूरा नया रोड है, लेकिन बहुत बड़ा रोड है। आराम से यहाँ पर 3-4 गाड़ी जाएगा, तो ये रोड सीधा जाएंगे तो आप लोग उधर सिक्किम घुस मतलब तिब्बत साइड का जो रोड पहले बना हुआ था वही, ये वही रोड है, यहीं से मतलब सिक्किम घुस जाता है। तो आप लोग तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नथुला होके, ये रोड जाता है, हाँ वही दो थोड़ा पहुँच जाएगा यहाँ से ये रोड। सो इतना बड़ा रोड
बनाया है इधर। मैं तो पहली बार हूँ, सुना था कि रोड बन रहा है, लेकिन इतना बड़ा रोड बन रहा था मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत बड़ा रोड है, बहुत बड़ा। अगर किसी दिन फ्यूचर में ना प्लानिंग हो गया तो नथुरा जाने का प्लानिंग हो गया तो मैं यही रूट देखे जाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। बाप रे, आप लोग देख सकते हैं रोड का साइज कितना बड़ा है। वैसे भी ये कंप्लीट तो हो ही नहीं, लेकिन बंद रहा है अभी भी। किस्मत साथ देगा तो एक दिन ज़रूर आप लोगों को ये रास्ता लेके जाएगा उधर से, मतलब नाथुला साइड सिक्किम। सो अभी तो हम लोग ये नीचे तक ही जा रहा है जहाँ पर सिक्किम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, रेवड़ी तक ही लेके जा रहा है। ये देखिए आप देखते हैं वो जो आप लोग उधर सीधा दिखाई दे रहा है उस पर, वो रिनॉक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों रास्ता ऐसे ऐसे मतलब बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आर्मी का जो गाड़ी होता है वो चलता है, और आर्मी का गाड़ी आप लोगों को पता ही है थोड़ा भारी होने से ऊपर नहीं चल पाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है। लाभा रोड आप लोग कभी गए हो तो फिर लाभा का भी वैसे ही है रोड, लेकिन ये रास्ता बाप रे इतना बड़ा है। हिल्स में दार्जिलिंग कालिम्पोंग मैं पहली बार मैंने देखा इतना बड़ा रोड कालिम्पोंग में, तो दार्जिलिंग में तो है ही नहीं इतना बड़ा रोड तो। और ये भी नहीं होता होगा, लेकिन ए सी टूट होने के कारण से इसीलिए इतना बड़ा रोड ये बनाया है। तो कभी कभी आप लोग भी आइएगा, ये रूट बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है, और कोई मतलब दिक्कत नहीं है शुरू करने से। तो आप लोग सीधा यहाँ ऐसे सिक्किम भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को जानकारी देते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग रूट अथवा लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी से निकल गए तो फिर बाघपुल होके, बाघपुल से थोड़ा आगे आके गोरबथान होके डामडिम से लेफ्ट लेना पड़ेगा। डामडिम से लेफ्ट लेने से गोरबथान आएगा, गोरबथान से ऊपर लाभा होके और फिर से पेदुम होके ये रूट जाके फिर सिक्किम कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग रास्ता भी अच्छा है और आप लोग लॉन्ग राइड का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक होने के कारण से काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि मैंने 2-3 बार तो ऐसे भी राइड कर चुका हूँ वो वाला रोड, ये रोड पहली बार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग आएंगे तो पक्का मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा क्या। अगर आप लोग मानसून में राइड कर रहे हैं तो तब तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अभी अभी कटिंग हुआ है तो कभी भी गिरने का चांसेस है। तो आइएगा ज़रूर एक बार। तल्लो रोडबाट पनि देख्छ यो रोड घुमेको रहेछ नि। और जो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है उस पार, ये सिक्किम रेनॉक है, और ये थोड़ा ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसका उधर साइड क्या है अंकल, वो है रंगली उस पार, और ये जो दिखाई दे रहा है ये रेनॉक है। मतलब रास्ता यही है, मतलब रेनॉक होके ऐसे ऐसे करके जलुक होके आप अपना थोड़ा भी जा सकते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ का जो नीचे दिखाई दे रहा है जो उस पार सिक्किम हो गया और इस पार कालिम्पोंग हो गया, मतलब कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, बंगाल हो गया जैसे बोल रहे, और उस पार पूरा सिक्किम। सो रास्ता यही है, मतलब यहीं से जाता है ऐसे करके नीचे जाके रेली से, वहाँ से मतलब उधर वो होता है ना रेसी से उधर सिक्किम और इस पार कालिम्पोंग है। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। आप लोग इफ़ ये रूट ट्राई करना चाहते हैं तो फिर नथुला आराम से ये रूट जा सकते हैं, और नथुला जाने पर आप लोगों को रंगली में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है, पासपोर्ट वगैरह काटना पड़ता है, और जितने भी इंडियन है आप लोगों का भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स लगता है। हमने इतना इन्फॉर्मेशन निकाला है लेकिन हम खुद गया नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमको पता है क्या क्या करना है। तो आप लोग जा सकते हैं ये रूट होके। यहाँ पर रास्ता थोड़ा छोटा है, हाँ लेकिन बन रहा है लेकिन छोटा है। अभी मानसून में तो ऐसा रोड में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी बाइक चलाने में, क्योंकि ये स्लीपर ही हो जाता है तो इसीलिए टफ रहता है बोलने से। वहाँ पर इतना ज़्यादा धूल, इतने कटिंग हो रहा है।
ओए बहुका दे दो मर गए भाई साहब। मार डाला मार डाला मार डाला इसको मुझे चिपलिंग जाना है डाल दो इधर लास्ट मारे इसको मैं बाइक रोड अब अलग तो ब्रेक तो चलेगी तो जुत्ता मेरे दर्द के बाख्लो त तिम्रो देखो भाई साहब देखो हम लोग पहुँचने वाला है और रास्ता ऐसा मिल रहा है देखो रास्ते कम से कम ये कितना कति इन्ची थियो होला अङ्कल धुलो आम्मा 4 इन्ची मोटा था हल्दा पनि जान्छ त भाइ मलाई यहाँबाट छिरे भन्ने चाहिँ ब्याङ्क उयो है सिक्किम है यो सिक्किम हो भने चाहिँ होइन नि ए उतार उतार छिर्नु पऱ्यो है सो ये है ब्रिज रेसी ब्रिज यहाँ से आगे जाके और लेफ्ट जाएंगे तो फिर सिक्किम कनेक्ट हो जाएगा सो सिक्किम तो अच अगड़ी बड़ा पहुँच क्या हाई सिक्किम का ठीक है हम उस पार जाएंगे ये रहा ब्रिज और मतलब ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है ये ब्रिज का भी क्योंकि कहते तो ऐसे मतलब घुसेगा तो ये मतलब यहाँ पर ब्रिज होना ज़रूरी ऐसा लगा यहाँ से इस तरह जाओगे तो रेसी चेक पोस्ट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ए सिक्किम पुलिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तो फिर हम लोग यहीं तक है यहाँ से उधर जाएंगे तो फिर आप लोग जाएंगे सिक्किम घुस यहाँ भी हमको बोलना नहीं पड़ेगा यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग पी एस बोले सर और ये रहा ब्रिज यहाँ और कहाँ जाते रहा ये बैठे से अच्छा ये हो गया रेसी ब्रिज हम लोग भाई इधर इधर ही साइड कर रहे एक बार ठीक है ना वो एक खोला खोला मैंने मना कर बैठे रेसी खोला ये रेसी खोला हो गया ये मुदुंग दोनों आँखें यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है ना और ये जाके सीधा फिर रामपुर रामपुर में कनेक्ट होता है सो गाइज हम लोग आ गए इधर रेसी अभी हम लोग रेसी ब्रिज के सामने में है मतलब रेसी में ही है आ गया था फिर उधर सिक्किम और इस साइड बंगाल यानी कि कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ से मतलब रास्ता तो आप लोग ने देखा ही होगा कितना धूल था बाप रे कितना मोटा धूल था हम तो इतना डर रहा था कि ये ना हो जाए कि बाइक गिर ना जाए तो ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं है थोड़ा 1 किलोमीटर भी नहीं है हाफ कैसे किलोमीटर ऐसा है रास्ता लेकिन अभी बन रहा है बनने से और बढ़िया रहेगा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोग जाएंगे तो नथुला होके रंगली रिनफ होके नथुला ये जलुक होके नथुला भी जा सकते हैं और वहीं से आप लोग घूम के गैंगटोक भी जा सकते हैं सो ऐसा है यहाँ का रास्ता जो यहाँ का नज़ारा भी आप लोग ने दिखा सो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं ये तो देखा तो लुक खोलेर देखाओ ना देखाओ ना कैसे खोल रहा है लु जानदार रहे कि ना जानदार से हेरौँ त लु खोल दे ना छिटो ना म खोल दिन्छु चिप्स खोइदियो म खोल दिन्छु त्यो म खोल दिन्छु नि तिमी आफै खोला त लु
तो गाइस ये जो है ये ब्रिज रेसी ब्रिज है, नीचे में रिवर है और ये जो रिवर है ये सीधा जाके रामपुर में कनेक्ट होता है और जो मछली मार रहा है वो लोग। ब्रिटिश का टाइम से ही ये रास्ता यहाँ से था बोलता है, तो हम क्यों नहीं एक बार जाके देखते और आप लोग भी दिखा दे बोल के हम लोग यहाँ पर आ गए। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि रास्ता थोड़ा बंद रहा है, आधा रास्ता तक इतना अच्छा था रास्ता, जब हम लोग यहाँ पर आने वाला थे मतलब पहुँचने वाला थे तब थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन वो ख़राब ख़राब भी मतलब उतना ज़्यादा नहीं, हाफ एन किलोमीटर भी नहीं था तो उतना ज़्यादा ख़राब था, उतना ही था ख़राब, उससे ज़्यादा नहीं था। तो आप लोग, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आप लोग मनसून में आएगा तो फिर प्लीज़ मत आइएगा क्योंकि रास्ता थोड़ा स्लिपरी रहेगा तब, तो अभी आने से ठीक रहेगा। वो दिखाई दिया मैंने रास्ता तो कैसा है, तो मैं बोल भी नहीं सकता कि ये मानसून में काफ़ी ठीक भी हो सकता है ये रोड, और ठीक होने से फिर कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमारा एक ड्रीम है सो जो यहाँ से ये रूट होके नथुला जाने का, जो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं आया था। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कमेंट कीजिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। बाय बाय द गर्दियो नो। तो बाइक है यहाँ पर, अंकल भी है यहाँ पर। अंकल क्या कहना है मतलब ये रेसी के बारे में? ये तो बॉर्डर है, आप लोगों को मालूम होगा कि 1975 में ही ये मर्ज हुआ था, सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ था। अब ये रामपुर का एक चेक पोस्ट, सबसे बड़ा चेक पोस्ट है और ईस्ट का से ये है चेक पोस्ट, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मतलब रूट है बोलने से ना। ये तो हिस्टोरिकल रूट है, यहाँ से हम लोग जा सकते जलुक होके नथुला होके फिर गैंगटॉक निकल के फिर रामपुर आ सकते हैं। ये देखिए हम लोग ऐसा ऊपर सारे ऐसे करके देख रहे हैं, हम लोग बाप रे देखो ये अलग है रोड, ये अलग ऊपर में, ठीक है हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ तो यहाँ ढुंगा झर्दैन झर्दैन भाई है, आज समय झरेको छैन, म बसेको 27 वर्ष भयो। तो हम लोग निकल चुके हैं रेसी से, तो रास्ता हमने बोला आप लोगों को ये रास्ता नहीं बन जाता है तो आप लोग मानसून में नहीं आने से ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है, आप लोगों को पता ही होगा जो जितने भी राइडर्स होंगे आप लोगों को पता ही होगा कि मानसून में ना इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। इससे अच्छा आप लोग भी ये रास्ता ठीक हो गया तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो आप लोग मत आइएगा। में क्या होता है कि पीछे का जो टायर है वो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा एडवांटेज हो जाता है ऐसा रोड में, अगर वही स्लीपरी ऐसा स्लीप हो जाता है तो टायर होने के कारण से थोड़ा एडवांटेज रहता है। आए थे सो हम लोग अभी यहाँ पर वीडियो भी किया, अंकल ने फोटो भी खींच दिया मेरा, अंकल यहाँ पर है सो हम लोग यहाँ ऊपर से जाएंगे। सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए आज का ब्लॉग, तो ऐसे ही ब्लॉग आता रहता है, मैं नया नया जगह जाता हूँ, नया नया जगह का कुछ इन्फॉर्मेशन बटुल के उधर का जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है और उधर का क्या है मतलब वो जगह को क्यों इतना ज़्यादा मतलब क्या फेमस फॉर क्या है वो ये सब मैं दिखाता हूँ। तो हम जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को वैसे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो आज का वीडियो भी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, जो जितने भी हमारा रेगुलर व्यूअर्स है जो नेपाली है
सो आप लोग भी कमेंट कीजिए हमारा हिंदी कैसा है। तो हम तो बोलता रहता है कि हम दो दिन हो रहा क्या है हिंदी में किया हुआ, दो ब्लॉग हो गया, दो दिन बोले तो बोलने से दो दिन, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट कीजिए। सो अंकल ने मुझे रिकमेंड किया था कि हिंदी में करने के लिए, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे जगह जाते हो जो जगह इतना हिस्टोरिकल होता है, तो थोड़ा बहुत हिंदी में करने से ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाता है, ये बोल के थोड़ा मुझे मोटिवेट और साथ में एडवाइस भी दिया है। तो इसीलिए मैंने क्या मतलब हिंदी में व्लॉग कर रहा हूँ। होप कि आप लोग अच्छा लग रहा है। तो जितने भी आप लोग नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी और इन्फॉर्मेटिव और नया जगह का एक्सप्लोरिंग वीडियो देखने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम लोग रेसी पुल गया था, आप लोगों को पता है रेसी पुल सिक्किम और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला, और बोलने से बंगाल भी बोल सकते हैं, बंगाल और सिक्किम को कनेक्ट करने वाला जो ईस्ट है, ईस्टमा कनेक्ट करने है, ईस्ट सिक्किम को कनेक्ट करने वाला एक ये जो ब्रिज है, बॉर्डर है। तो कैसा लगा आप लोग जरूर विजिट कीजिए, रास्ता बढ़िया है। तो आप लोग देखने के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। सो प्लीज़ आपका कमेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।